चौहान खुद, क्योंकि जिस तरह से वो मामला सामने आया और पूरा वकीलों के जरिए देखा गया कि मारपीट की गई, आज अपने हेडक्वार्टर के बाहर जवान जो है मौजूद है, अपने को लेकर के सीनियर अफसरों के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाए हुए हैं। जिससे मैं आपको खाना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 10 घंटे का वक्त बीत चुका है और ये तमाम दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, दिल्ली पुलिस के सिपाही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग ये सेल्स में पोस्टेड हैं, इनको यहाँ से उठाने की कोशिश की जा रही है। और इस पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जोरदार प्रदर्शन लगातार सुबह से जारी है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर आर एस कृष्णैया इन लोगों से बात करके जा चुके हैं, साथ ही जो ज्वाइंट कमिश्नर है देवेश श्रीवास्तव, राजेश खुराना वगैरह वो भी इन लोगों से बात करके जा चुके हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह से मानने को यहाँ से हटने को, आईटीओ का मेन चौराहा है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर की जगह है, वहाँ से हटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है सीनियर अफसरान का। ये लोग इस वक्त में हालांकि आदर तो कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से ये लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। सारी दुनिया देख रही है और इसी लोकतंत्र का एक हिस्सा न्याय प्रणाली जो है उसको आप सोच सकते हैं कि किस तरह वकीलों के जरिए पुलिस की प्रवक्ता से पिटाई की गई और उसके बाद फिर जो फैसला दिया जाता है चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के जरिए, उसमें ये पूरी तरीके से मुखालफत में आज पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर सब लोग खड़े हुए हैं। सुबह से यहाँ भूखे प्यासे जो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इन जवानों को सीनियर पुलिस अफसरान उठाने के लिए आए हैं। स्पेशल पुलिस कमिश्नर आर एस कृष्णैया इस वक्त खुद यहाँ पहुंचे हैं इनको उठाने के लिए, यहाँ से चलो 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 बहुत।
रिक्वेस्ट कर रहे हैं आरएस कृष्णैया तमाम अपने छोटे जूनियर सीनियर अफसरान से के यहाँ से आप प्रदर्शन खत्म करके चले जाएं। ये स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से रिक्वेस्ट चल रही है, गुजारिश ही कर सकते हैं कि अपने वरिष्ठ अधिकारी में जब दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर इसी आईटीओ पर पहुंचा था, उस वक्त से लेकर आज तक कभी भी ऐसी तस्वीरें आईटीओ पर नहीं देखी गई, पुलिस हेडक्वार्टर पर नहीं देखी गई होंगी, जहां अपनी मांग को लेकर अपनी सुरक्षा को लेकर के खुद पुलिसकर्मी खुद पुलिस वाले इस तरह से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे पहुंचे हों। आरएस कृष्णैया जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो इस वक्त यहाँ उन तमाम नाराज पुलिस अधिकारियों का पुलिस वालों के उनको समझाने के लिए यहाँ पहुँचे और उनके साथ में जो आप देख रहे हैं जॉइंट कमिश्नर आलोक कुमार, जॉइंट कमिश्नर शालिनी सिंह, जॉइंट कमिश्नर राजेश खुराना और देवेश श्रीवास्तव वगैरह भी सब यहाँ मौजूद हैं और पूरा पुलिस हेडक्वार्टर का ये जो गेट आप देख रहे हैं ये एंट्रेंस गेट है और इसी गेट से एंट्री होती है। तमाम जितने भी सीनियर अफसरान हैं यहीं से आते जाते हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त आईटीओ से दिखा रहा हूं और अपने इंसाफ के लिए जिस तरह 2 तारीख को 30 तारीख कोर्ट में हुआ और उस पूरे मुद्दे को उठाते हुए उन तमाम पुलिस वालों ने जो कि अलग अलग रैंक्स के हैं, चाहे उसमें कॉन्स्टेबल्स हैं चाहे उसमें हेड कॉन्स्टेबल हैं, सभी ने पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। ये इतिहास में पहली बार गवाह बनी है ये तस्वीरें पुलिस हेडक्वार्टर की, जहां अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए तमाम पुलिस के अफसरान जवान यहाँ पहुंचे और मैं दिखा रहा हूँ सीधा इस वक्त जो सीनियर पुलिस अफसरान है वो भी यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त में इन सबका एक ही मकसद है कि यहाँ से जितने जो जवान हैं वो बाहर धरने पे जो बैठे हैं सुबह से आज, वो यहाँ से अब अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे चले जाएं, अपने घरों को चले जाएं। तो एक यही कोशिश है किसी तरीके से कि जो 2 तारीख को 2 नवंबर को हुआ 30,000 कोर्ट में और जिस तरह से वकीलों ने मारपीट की थी पुलिस के अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मचारियों के साथ में, उसको देखते हुए पूरा पुलिस महकमा एकजुटता दिखाते हुए अपनी मांगों को लेकर के अपनी सुरक्षा की बात को उठाते हुए तमाम जमा हुए और तारीख में इतिहास में पहली बार ये तस्वीरें गवाह बनी किसी पुलिस हेडक्वार्टर की, जहां की 10वें माले तक आज तक 1976 से लेकर अब तक आदेश मानते और देते सुनते आए थे तमाम पुलिस के जवान अधिकारी और आला अफसरान, उन सबकी आज पहली बार इस तरीके से देखा जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर के ये लोग खुद जो सुरक्षा देते हैं आज सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तमाम लोगों ने कल भी देखा कि साकेत कोर्ट के बाहर किस तरह एक निहत्ते पुलिस के जवान को जो कि मोटरसाइकिल पर सवार था एक वकील बुरी तरह से पीट रहा है और बाकी वकील तमाशबीन बड़े देख रहे हैं। उन तस्वीरों की सारी दुनिया शाहिद बनी, उनकी गवाह बनी और आज उसी का ये नतीजा है कि पुलिस हेडक्वार्टर के इसी गेट पर जहां से खुद पुलिस कमिश्नर तमाम स्पेशल कमिश्नर्स और ज्वाइंट कमिश्नर्स इसी जगह से आते और जाते हैं, आज ये जितने भी वर्दी वाले हैं सब एक साथ खड़े हैं। इनके परिवारों के लोग इंडिया गेट पर भी पहुंच चुके हैं, वहां भी नारायणा में भी बताया जा रहा है कि जमा हो चुके हैं और ये जवान जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है आपको हमको सुरक्षा हमारी सुरक्षा करने की, आज अपनी मांगों को लेकर के अपनी सुरक्षा को लेकर के खुद खड़े हैं। स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अभी थोड़ी देर पहले ही आरएस कृष्णैया इन तमाम जवानों से मुखातिब हुए और उन्होंने बाकायदा इनको कहा है कि किसी तरीके से आप लोग यहां से चले जाएं।
मैं आपको दिखा दूं, ये बाहर का जो नज़ारा है पुलिस हेडक्वार्टर का, ऐसा पहली बार देखने में मिला है कि पुलिस के अफसरान, पुलिस के जवान अपनी उन मांगों को लेकर के, जो इनके साथ इन्होंने कहा नाइंसाफी हो रही है, उसको लेकर के यहाँ खड़े हुए और हटने को तैयार नहीं है। हालांकि सीनियर अफसरान लगातार आदेश भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हटने को तैयार नहीं है। किसी ने देखी होगी और इतिहास गवाह है इस बात का कि इस पूरे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर आज तक कभी भी आज तक इस तरीके का नजारा कभी नहीं देखने को मिला होगा। और आज ये तमाम जवान एक्स आईपीएस किरण बेदी को याद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो अपने बोल्ड डिसीजंस के लिए जानी जाती थी, आज ये तमाम जवान उनको याद कर रहे हैं और इनको कहना है कि ऐसा ही हमें, ऐसे ही सीनियर ऑफिसर की हमको जरूरत है जो कि हमारे कम से कम वो इनकी मांगों को उठा सके। हेडक्वार्टर के बाहर नजारा है, ये यहाँ साकेत कोर्ट्स का जो इंसिडेंट था, आपको पता होगा कि उसमें एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उस पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज ही काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने आप सबकी जो बातें हैं वो सुनी हैं, आगे निरंतर इस पर काम चलता रहेगा। आप एक डिसिप्लिन फोर्स की तरह, अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक डिसिप्लिन फोर्स की तरह अपनी वर्दी का, अपनी फोर्स का मान रखें और शांतिपूर्वक यहां से एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हुए वापस अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे जाएं। मैं आपको फिर से कमिश्नर साहब की तरफ से विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि आपकी जो ज्यादातर बातें थी उन पे कार्रवाई की जा चुकी है और आगे निरंतर इस पे कार्य चलता रहेगा। अब फिर से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब जो लोग यहां से शांतिपूर्वक डिस्पर्स होकर अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे जाएं, अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करें। जय हिंद। कमिश्नर साहब ने आपको संबोधित किया था और आपकी बातें भी उन्होंने सुनी थी और हमने भी आपकी जो जो बातें थी उन तक पहुंचाई थी। मेरी बात सुनिए, आपकी सारी बातें जो है जिन पे आपको तकलीफ थी वो उनके सामने रखी गई थी। उसके बाद सीपी साहब और आपके अन्य उच्च अधिकारियों ने सरकार के आला अधिकारियों से बात की और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो तारीख 3 नवंबर 2019 का माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर था उसके लिए एक रिव्यू पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की जाएगी, जो कल हेयरिंग है जो 3 बजे उसके अंदर सुनी जाए। जिन पुलिस कर्मियों को इस घटनाक्रम में चोटें आई है, सर स्पेशल सीपी साहब श्री कृष्णिया साहब आपको एड्रेस करेंगे। आप लोगों के सामने जो डिमांड आपकी थी उनको रिफाइंड करके मैंने साहब को थोड़ा ब्रीफ किया है, एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। साहब के आगे
कि हमारी मेन डिमांड है सर कि जितने भी हमारे इंजर्ड हैं उनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। दूसरी डिमांड हमारी है कि जो ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट का हुआ है, हालांकि हमारा जुडिशियल सिस्टम पे पूरा फेथ है, उस ऑर्डर को अगर रिव्यू किया जा सकता है, SLP फाइल की जा सकती है, तो उसको तुरंत फाइल किया जाए विदाउट एनी डिले। अगली डिमांड फोर्स की है कि जितने भी केसेज आज तक लायर वर्सेस पुलिस क्लैश हुए, अगर उनमें चार्जशीट फाइल कर दी गई है तो LG साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि उनको विड्रॉ किया जाए, अगर चार्जशीट फाइल नहीं है की गई है तो उनको रिव्यू किया जाए। उससे आगे की डिमांड ये है कि जी पुलिस यूनियन, पुलिस वेलफेयर सोसाइटी, जिस भी अम्ब्रेला के नीचे पुलिस के अधिकार को सुरक्षित अगर किया जा सकता है तो वो परमिशन दी जाए। अगली डिमांड ये है कि जी आज के इंसिडेंट में जहां पे हमारे नौजवान इकट्ठे हुए हैं, इसका कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन किसी भी रैंक के खिलाफ नहीं लिया जाए। नेक्स्ट डिमांड ये है कि जी अगर भविष्य में अगर कोई छोटा मोटा क्लैश होता है लायर वर्सेस पुलिस, तो उसको जजेस, और मैं तो ये भी कहूंगा कि जजेस भी साउथ इंडिया के, दिल्ली के नहीं, जजेस भी साउथ इंडिया के, और सीनियर पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, उन सब की एक कमेटी बनाई जाए और उसमें तुरंत रिव्यू किया। अगर हमारी गलती है तो हमें पुनिश किया जाए, मैक्सिमम पुनिशमेंट के लिए अगर हम डिजर्व करते हैं तो हमें दिया जाए। अगर हमारी गलती नहीं है तो हमारे को सम्मानजनक सिर उठाने की जगह इस समाज में दी जाए। और कोई डिमांड है तो कोई अपना माइक लेके बता देगा। इस पर सस्पेंशन जो सस्पेंशन हुआ वो इमीडिएटली रिवोक किया जाए। सस्पेंशन मुखर्जी नगर को अभी कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन लेटर ऑन उस पर लड़ेंगे। प्लस इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी के बाद ही सस्पेंड किया जाए। अभी मैं आदरणीय रेस्पेक्टेड श्री RS कृष्णिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नौजवानों को एड्रेस करें। प्लीज शांति बनाए रखेंगे। कोई भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो गो बैक नहीं कहेंगे। आप अपना ऑब्जेक्शन, आपके हाथ में माइक दिया जाएगा, एक आदमी बोलेगा, गो बैक नहीं करेंगे। अदरवाइज हमारे में और वकीलों में फर्क क्या हुआ? हम वकीलों की तरह आंदोलन नहीं करेंगे। साथियों, भाइयों और बहनों, और ये जो इनके परिवार वाले भी आए हुए हैं, आप लोग सुबह से यहां पर अपना जो एक गुस्सा है उसको इजहार करने के लिए यहां पर एकत्रित हो रखे हैं। आपकी तमाम जितने भी सुबह से लेके अब तक आप लोग डिमांड कर रहे हो और जो मीडिया में दिखा रहे हैं, आप लोगों के इंडिविजुअल बयान भी आ रहे हैं इसके अंदर, और अभी आपके जो इंस्पेक्टर साहब ने बताया कुछ आपकी डिमांडें आप लोगों ने रखी हैं, आपकी हर डिमांड के बारे में बड़ी गंभीरता से सोचा जा रहा है। और ये ध्यान रखिए कि कोई भी डिमांड एक सेकंड के अंदर यहां बैठ के पूरी नहीं हो सकती है। सुनिए, आप बात बोलिए, पूरी बात सुन लीजिए। आपकी तमाम जितने भी जायज मांगे हैं सबके ऊपर गौर गंभीरता से चल रहा है सुबह से, और जिस लेवल के ऊपर जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हो रही है। अब इसके अलावा आप लोग शांति रखिए। दूसरा ये जितने भी आप लोग यहाँ पर इतनी मेहनत से सुबह से बैठे हुए हैं, आपके साथ में सब लोगों की संपत्ति है। ये मीडिया आप लोगों को साथ दे रहा है, समाज के प्रबुद्ध वर्ग आपको लोगों को साथ दे रहा है। सुनिए, आप लोग सुनिए, पहले पुलिस का काम है सुनना।
और सुन के उसके ऊपर कार्रवाई करना, सुनिए। और ये आप लोग निश्चित रहिए, जितने भी आपकी जो आपने ये बताए गए हैं, तमाम जितने भी ये मुद्दे आप लोगों ने बताए गए हैं, उस पर बड़ी गंभीरता से, गहराई से, दिल से और पूरा दिमाग लगा के उस पर कार्रवाई चल रही है सबके साथ। दूसरा, क्योंकि आप समझते हैं एक अनुशासित फोर्स के, ऐसे जो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इन जवानों को सीनियर पुलिस अफसरान उठाने के लिए आए हैं। स्पेशल पुलिस कमिश्नर आर एस कृष्णैया इस वक्त खुद यहाँ पहुंचे हैं इनको उठाने के लिए। यहाँ से चलो चलो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आर एस कृष्णैया तमाम अपने छोटे जूनियर सीनियर अफसरान से के यहाँ से आप प्रदर्शन खत्म करके चले जाएं। ये स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से रिक्वेस्ट चल रही है, गुजारिश ही कर सकते हैं कि अपने जवानों को यहाँ से उठाना चाहते हैं। ये पहले नहीं हुआ, इस चीज को आउट ऑफ लाइन जाने से आप ही रोक सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रोक सकता। आपके साथ सारे रैंक हैं, सारे रैंक, अगर किसी के मन में कोई मुगालता तो निकाल दो। अगर आपके साथ रैंक नहीं होंगे तो आप यहाँ दो मिनट भी नहीं रुक पाएंगे, ये आपको और हमको अच्छी तरह से पता है। प्लस कुछ एक मांगे आपने की कि नॉन अवेलेबल होना चाहिए, 186 353 तो ऑलरेडी नॉन अवेलेबल है, क्या मांगे कर रहे हैं? मांगे सबको पता है, आप हर एक यूनिट से 100-100 आदमियों का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, उसके बाद में नेक्स्ट संडे हम लोग एक जगह डिसाइड करेंगे, वहां पे बैठ के हम बात करेंगे, जो पॉइंट्स अच्छे होंगे नेक्स्ट संडे। सुन लीजिए, ऐसे ना ना करने से कुछ नहीं होगा,
ना ना करने से कुछ नहीं होगा। कुछ एक लोग हो सकता है आपके अंदर आउटसाइडर हो सकता है वो पुलिस के आदमी ना हो, ये भी अगर आप है तो बहुत अच्छी बात है। डिमांड मैं बता रहा हूं, डिमांड आपकी ये होनी चाहिए कि कोर्ट के अंदर हमें कोई तू नहीं बोलेगा।